चलो अगर थोड़ा सा अपन बात करें, बजट कितने प्रकार के होते हैं या बजट में हमें क्या क्या सीखना है, तो सबसे पहले आप बजट के अंदर ये बात जान लीजिए, मतलब न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ, तो बजट सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो एक होता है आपके पास बैलेंस बजट। सर बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है आपके पास, जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होते हैं, टोटल रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होते हैं, टोटल रिसिप्ट्स। इसका मतलब आप जितना खर्चा कर रहे हैं उतना ही लोगों से आप ले भी रहे, ठीक है ना। एक होता है आपके पास सरप्लस बजट, जो अमेरिका, यूएस, यूके जैसी इकोनॉमी के पास होता है, जिसमें उनके पास रिसिप्ट्स क्या होती है, अगर अपन बात करें ज्यादा, मतलब उनकी रिसिप्ट्स क्या होती है, वो लोगों से टैक्स के फॉर्म में रिसिप्ट्स क्या लेते हैं ज्यादा, और देश पे खर्चा क्या करते हैं कम। रीजन, क्योंकि उनका देश डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो उनको यूं भी टैक्स के थ्रू अच्छी इनकम आती है, नॉन टैक्स के थ्रू अच्छी इनकम आती है, कैपिटल रिसिप्ट अच्छी आती है, और देश क्योंकि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, इससे देश में खर्चा कंपेरेटिवली कम करना पड़ता है। अब हम एक तीसरे एंगल पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे आप अगर समझे तो वो होता है डेफिसिट। जो इंडिया जैसी इकोनॉमी या वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप इकोनॉमी है, हम सबका डेफिसिट बजट होता है, और कहीं ना कहीं हर डेवलपिंग इकोनॉमी का डेफिसिट बजट होना जरूरी भी है। ऐसे केस में हमारा जो खर्चा होता है लोगों पे, इकोनॉमिक वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर, वो क्या रहता है ज्यादा, और सरकार जो हमसे रिसिप्ट ले पाती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो क्या रहती है कम। तो इसका मतलब हमारा बजट एक प्रकार से डेफिसिट मतलब नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब होता है, मतलब हमारे खर्चे क्या रहते हैं ज्यादा, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या रहते हैं आपके पास ज्यादा, और हमारी रिसिप्ट क्या रहती है कम। तो सर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा रहते हैं और हमारी रिसिप्ट्स क्या रहती हैं कम। सर अब ऐसे में अगर समझा जाए और बहुत प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप क्या समझाना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ डेफिसिट बजट के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, और रेवेन्यू के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी मैं टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, तो सर एक्सपेंडिचर कौन कितने प्रकार के होते हैं, सर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास कौन सा एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे तो अपन लास्ट वीडियो में ले चुके हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ, चाहे वो रोड्स बना रही है, चाहे वो डैम्स बना रही है, चाहे वो स्कूल्स बना रही है, चाहे वो हॉस्पिटल्स बना रही है, चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रही है सरकार, तो वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सरकार का सबसे पहले तो आता है वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट मतलब सरकार की, अगर तुम जो पुलिस डिपार्टमेंट है तो उन सबकी सैलरी, मिलिट्री की सैलरी, कोर्ट्स की सैलरी, म्यूनसिपैलिटी की सैलरी, तो इतना सारा, नगर निगम की सैलरी, दूसरे लोगों की सैलरी, जो लोग आयकर विभाग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट से अलग अलग, एयर इंडिया, इन सब लोगों की सैलरी, तो वेज बिल। सर इसी में कुछ खर्चा डिफेंस का भी आता है, कि जो डिफेंस में आप गोलियां बारूद चलते हैं तो उन सब में तो पैसा खत्म हो जाता है। सर इसमें बहुत सारा सरकार जो आपको सब्सिडीज देती है, इसका मतलब सरकार को, तुम जो खुद को एक पानी की बोतल प्यूरिफाई करने में, तुम जो एक बाल्टी प्यूरिफाई करने में लगते हैं 30 रुपए, आपको वो पानी का पूरे महीने कनेक्शन देती है 10 रुपए के अंदर। इसका मतलब सरकार का आपको सब्सिडी दे रही है, यस। सरकार के गैस पे आपको सब्सिडी दे रही है, यस। तो सरकार बहुत सारी चीजों पे आपको क्या देती है, सब्सिडी, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। दूसरी जगह आपको ये समझना पड़ेगा सर टोटल रिसिप्ट्स क्या होती है। अगर अपन टोटल रिसिप्ट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो टोटल रिसिप्ट्स में अगेन एक अपने पास कौन सी रिसिप्ट्स होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरी अपने पास कौन सी होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, सर कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती है जो या तो कि आपका एसेट्स कम करेंगी या तो कोई आपकी लाइबिलिटी बढ़ाएंगी। तो कैपिटल रिसिप्ट्स नॉर्मली तीन होती है। सबसे पहली कैपिटल कैपिटल रिसिप्ट होती है, अगर मैं बोलूँ तो डिसइन्वेस्टमेंट। सर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। जैसे सरकार ने अभी अपने बहुत सारे पोर्ट्स किसको बेच दिए, अडानी को, मतलब वो सरकारी खुद के पोर्ट्स थे, सरकार ने किसको बेच दी, अडानी को, एयरपोर्ट सारे के सारे, कि तुम ले लो भाई हमसे 10,000 करोड़ में, हमारे पास पैसे नहीं है। जिस चीज पर सरकार का अधिकार वो किसको बेच दिया, उन्होंने अडानी को। जैसे अभी अपना पूरा की पूरा एयर इंडिया सरकार ने बेच दिया टाटा को, तो अगर एयर इंडिया पूरा की पूरा टाटा को बेच दिया, मतलब एयर इंडिया के जितने प्लेन्स थे, जितने राइट्स थे, जितने एयरपोर्ट्स थे, जितनी चीजें थी, वो सब उसको बेच दी टाटा को। इससे सरकार के पास क्या पैसे आ गए, हाँ सरकार के पास पैसे तो आ गए, बट कहीं ना कहीं सरकार का एसेट क्या हो गया, कम हो गया।
सेकंड लेवल पे सरकार का अगर मैं बात करूं तो एक प्रकार से होती है रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर सरकार ने कोई लोन्स पहले से बांट के रखे, समझो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको बांट के रखे, स्टेट गवर्नमेंट को, या अपने देश ने किसी और देश को लोन बांट के रखा, तो अगर लोन वापस ले रहे तो सरकार के पास फिर से क्या आ जाएगा, पैसा। लेकिन पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जो सरकार का एसेट है कौन सा, अगर मैं बात करूं लोन रूप का, वो क्या हो जाएगा, कम, ठीक है ना। एंड थर्ड, सरकार के पास बहुत इजी कैपिटल होती है, होती है बोरोइंग्स, मतलब सरकार जब उधार ले लेती है। याद करो जब भी सरकार उधार लेगी, सरकार आरबीआई से उधार ले सकती है कि भाई हमको 10,000 करोड़ छाप के दे दो। सरकार बहुत बार पब्लिक से उधार ले सकती है कि हम अपने बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, हम अपने ट्रेजरी बिल्स इशू कर रहे हैं, हमने बॉन्ड्स भी इशू कर रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू कर रहे हैं, हमको उधार दे दो। सरकार वर्ल्ड बैंक से, सरकार आईएमएफ से उधार ले सकती है। जो ये अभी आपका श्रीलंका वाला केस हुआ कि श्रीलंका पूरा देश ही गुलाम हो गया, पूरा की पूरा देश खत्म होने पे आ गया, श्रीलंका ने क्या करके रखा था, बोरिंग्स बहुत लेके रखी थी। इससे एक तो वर्ल्ड बैंक से बहुत लेके रखी थी, दूसरा मेनली चाइना से बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने उधार पे लेके रखा था। तो इस केस में क्या हुआ, क्योंकि अपने उस उधार पे अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ही चुका नहीं पा रहे थे, पैसे में क्या हो रहा था, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आ गया मतलब क्या, क्योंकि चुकाना है उधार, तो इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, इन्होंने चीजों के रेट बढ़ा दिए, अब लोग उतना सही नहीं पाए, तो लोगों ने क्या करा, पूरी गवर्नमेंट को पलट कर दिया। तो सर ये बोरिंग्स वैसे बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे वो पब्लिक से ली जाए, चाहे आरबीआई से ली जाए, या वर्ल्ड बैंक से ली जाए। लेकिन सर मेनली ये तीन सोर्सेज होते हैं किसके, कैपिटल रिसर्व्स के। ये तीन सोर्सेज होते हैं आपके पास किस चीज के, कैपिटल रिसर्व्स के। सर इंपॉर्टेंट बात हम अगर अभी समझना शुरू करें तो कहीं ना कहीं समझने की बात है रेवेन्यू रिसिप्ट को। तो सर रेवेन्यू रिसिप्ट अपन ने वैसे तो यूं पढ़ के रखी, लेकिन अगर अपन रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बात करें तो सरकार की जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहेंगी वो कहीं ना कहीं आपकी रहती है, एक होती है टैक्स रिसिप्ट, अलग अलग प्रकार के टैक्स, और दूसरी क्या होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो जितने भी सरकार टैक्स चार्ज करती है, चाहे वो जीएसटी के फॉर्म में करती हो, चाहे वो इनकम टैक्स के फॉर्म में करती हो, चाहे वो कोई ड्यूटी के फॉर्म में करती हो, कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में करती हो, तो वो तुम्हारे सब क्या हो गए, टैक्सेस, ठीक है ना, वो सब आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेस। बट नॉन टैक्स रिसिट्स मतलब क्या, सरकार अलग अलग चीजों का आपसे फीस फाइन्स चार्ज करती है। सरकार जो बहुत बार एस्केट के थ्रू कमाती है, सर एस्केट का मतलब क्या होता है, इनकम फ्रॉम दी ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हायर। जिन प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर नहीं बचता, सरकार वो प्रॉपर्टियां जब्त कर लेती है, वो प्रॉपर्टी सरकार की होती है, स्पेशल असेसमेंट के थ्रू करती है सरकार। जब सरकार की किसी एक्ट के कारण आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, तो सरकार उस पर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है वो सरकार के डेवलपमेंटल एक्ट के कारण बढ़ी है, ठीक है, तो वो इसलिए चार्ज करती है। सर ये भी ठीक है। तो सर इसके अलावा सरकार सेल ऑफ 3G 4G स्पेक्ट्रम करती है, वो एक अलग लेवल की बात है। सर आपने ये तो पढ़ लिया, अगर एट अ ग्लैंस देखें तो सर सरकार के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रिसिप्ट क्या होते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी समझना जरूरी थी, डेफिसिट को समझ। तो सर अपन मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ, डेफिसिट की तरफ। तो अगर अपन डेफिसिट की तरफ चलेंगे तो हमको बस समझ में आएगी कि सर आप डेफिसिट समझाना क्या चाहते हैं। देखो यार, सबसे पहला आपको समझना पड़ेगा कि तीन प्रकार का डेफिसिट होता है। पहला डेफिसिट होता है आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट, जिसमें अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब भी क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी आपको मालूम पड़ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होता है, आपको मालूम पड़ गया रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब कौन सी रिसिप्ट, टैक्स प्लस नॉन टैक्स वाली रिसिप्ट। सर ठीक है, ये बात भी मालूम पड़ गई। अगर सर सेकेंड लेवल में बात करूं तो एक होता है सबसे गंदा डेफिसिट, जिसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। सर क्योंकि इस डेफिसिट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब आपके देश के ऊपर कितना उधार चल रहा है, ये इनडायरेक्टली बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट दर्शाता है कि आपके देश के ऊपर कितना कर्जा है। तो इसका मेन मतलब क्या होता है, पूरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग क्या, बोरोइंग, जानबूझ के एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इसलिए बोला मैंने क्योंकि नॉर्मली तो बजट बैलेंस ही रहेगा ना सर, बैलेंस कैसे रहेगा। देखो लॉजिकली अगर आपने किसी प्रकार से देश में 1,000 करोड़ खर्च करे, इसका मतलब आपके देश में 1,000 करोड़ कहीं ना कहीं से आए थे। तो अगर मैं बोलूँ 1,000 करोड़ अगर आए नहीं होंगे तो आपने 1,000 करोड़ खर्चा कैसे किया। अब सर 1,000 करोड़ आए तो थे, रिसिप्ट थी,
समझ लो उसमें से 200 करोड़ की क्या थी बोरिंग्स, क्या थी 200 करोड़ की बोरिंग्स। तो वो बोलते हैं कि जितनी रिसिप्ट आई इसको हटा के बोरिंग्स को हटा, चाहे वो बोरिंग्स किसी से भी लियो, चाहे वो आरबीआई से लियो, वर्ल्ड बैंक से लियो, किसी से भी लियो, तो बोरिंग्स को हटा के जितनी रिसिप्ट आई, मतलब जैसे कितनी आ गई बोरिंग्स को हटा के कितनी आ गई होगी 800, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा 200 करोड़। और वो 200 करोड़ क्या दर्शाएगा, आपके देश की बोरिंग्स, आपके देश की क्या दिखाएगा बोरिंग्स, जितना आपके देश पे कर्जा है, जितना आपके देश पे क्या है कर्जा। सर ठीक है, ये बात भी कहीं ना कहीं तो अच्छी। सर नेक्स्ट लेवल पे आप क्या समझना चाहते हो, एक तरफ रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, एक तरफ आपके पास फिस्कल डेफिसिट हो गया। अब मेरे पास आ रहा है कहीं ना कहीं समझाने के लिए आपको प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि देखो एक बात है कि कोई गवर्नमेंट ये भी बोल सकती है हमको उधार इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमने इस साल तो कोई गलती नहीं करी लेकिन पुराने वाले इंटरेस्ट का लोन चुका। तो इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर किसी पुरानी सरकार, समझो अभी मान लो मोदी सरकार चल रही है, बाद में कांग्रेस सरकार आती है, मोदी सरकार ले गई भैया 50,000 करोड़ का लोन, ठीक है ना। अब इन्होंने 50,000 करोड़ का लोन ले लिया था वर्ल्ड बैंक से, लेकिन अब इसको उतारने के लिए लेट से मैं बोलूंगा कम से कम 5,000 करोड़ का क्या चाहिए इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ कि ना। इस साल मान लो सरकार किसी और की आती, कांग्रेस की सरकार आती, वो अगर 7,000 करोड़ का लोन ले रहे तो क्या वाकई में उन 7,000 करोड़ की गलती है? द आंसर इज कि वो 7,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई 7,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ का गलती तो पिछला लोन जो लिया था उसका ब्याज चुकाने के लिए जा रहे हैं। भाई आज अगर तुम्हारे पापा ने कोई लोन लेके रखा है, तुम्हारे पापा ने 50,000 करोड़ का लोन लेके रखा है, इस साल तुमको भी लोन लेना पड़ रहा है, तुमको घर वाले का चिल्लाएंगे, तुम क्या बोलोगे, अरे मम्मा पापा के लोन पे ब्याज चुकाने के कारण मुझे लोन लेना पड़ा, मैंने नेट गलती कितने की करी, 7,000 माइनस 5,000 डेट इज कितना 2,000 करोड़। मतलब इस साल आपका देश एक्चुअल नेगेटिव में कितना गया 2,000 करोड़, क्योंकि आपको पिछले साल का ब्याज चुकाने के लिए भी क्या लेना पड़ा उधार। आया समझ में? तो सर ये तीन प्रकार के डेफिसिट होते हैं, हम इसका एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं आपका एक प्रकार से बीके ओरी का एक क्वेश्चन नंबर 48 है उसको अपन देखने की कोशिश करेंगे। आपको गिवन है कि भाई टैक्स रेवेन्यू है आपके पास कितना 1,000 करोड़, देन आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बात करें तो वो कितना है आपके पास 3,821। फिर आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू गिवन है कितना आपके पास 2,000 करोड़ का। देन उसके बाद आपको रिकवरी ऑफ लोन्स, रिकवरी ऑफ लोन गिवन है आपके पास 135 करोड़ की। वैसे ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो सीबीएसई 2020 में भी आया है, तो क्या सर ये सीबीएसई का क्वेश्चन है? हाँ यार ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो रिकवरी ऑफ लोन कितनी हो गई है 135 करोड़। देन उसके बाद आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है अगर मैं बात करूं तो सर कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम पे आपके पास 574 करोड़ है। देन उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट आपके पास 100 करोड़ की है, डिसइन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की है, और इंटरेस्ट पेमेंट आपके पास 1,013 करोड़। सर इन सारी इंफॉर्मेशन से क्या आप तीनों प्रकार के डेफिसिट निकाल सकते हैं? तो सर देखो स्टार्ट करते हैं, ट्राई करेंगे किसी ना किसी प्रकार से कि कुछ ना कुछ समझ में आए। तो उसके हिसाब सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए। सर अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सर ठीक है, ये बात भी सही है। जितना मुझे पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो क्लियर गिवन है 3,821 माइनस जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं दोस्तों वो टैक्स रिसिप्ट प्लस नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो इसका मतलब 1,000 प्लस कितना 2,000 गिवन है क्वेश्चन में। तो सर इसके हिसाब से अगर अपन सॉल्व करके देखें तो आपका रेवेन्यू डेफिशिट तो इजीली आपका आ गया कितना 821, कितना आ गया आपके पास 821। सर ठीक है, अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ अच्छी बात तो है। अब अगर अपन बात करें कि मुझसे पूछेगा सर फिस्कल डेफिसिट कितना हो तो उसके लिए मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा और टोटल एक्सपेंडिचर में से मुझे टोटल रिसिप्ट्स माइनस करनी पड़ेगी। तो टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो सर आपसे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या फिस्कल डेफिसिट अपन निकाल पा रहे हैं कि किसी प्रकार से।
कि अपने को कोई बोरिंग्स का इंफॉर्मेशन गिवन है क्या किसी प्रकार से, या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ टोटल एक्सपेंडिचर में सर, एक तो आते हैं आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ऊपर वाला वीडियो को देखें तो अपने हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपको डायरेक्टली गिवन है, ठीक है ना? तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी गिवन है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी गिवन है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास 38 कितना है, 21, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आपके पास 38, 21, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना 574। सर इसमें से टोटल रिसिप्ट्स कौन सी चाहिए, पूरी रिसिप्ट चाहिए कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग चाहिए? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो सर रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है? सर देखो एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और एक कौन सी रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट्स तो अपन ऊपर ही निकाल चुके हैं, कितनी थी 3,000, चेक कर लो, एक टैक्स रिसिप्ट थी एक नॉन टैक्स रिसिप्ट थी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हो गई आपके पास 3,000। सर अभी आपने कैपिटल रिसिप्ट तीन प्रकार की सिखाई थी हमें, एक तो आपने सिखाया था डिसइन्वेस्टमेंट, वाओ, एक तो आपने सिखाया था डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने बोला हाँ यार डिसइन्वेस्टमेंट सिखाया था, फिर सर आपने सिखाया था रिकवरी ऑफ लोन, बोला वो भी सिखाया था कि ना, फिर आपने सिखाया था बोरिंग्स, ठीक है ना? बोरिंग्स तो आएंगी ही नहीं, तो सर अगर बोरिंग्स नहीं आएंगे तो अच्छा इंटरेस्ट पेमेंट अपने आप में क्या, ठीक है इंटरेस्ट पेमेंट तो अलग से दिया हुआ है, तो सर एक आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट हो गई ना, और एक आपके पास क्या हो गया रिकवरी ऑफ लोन। क्या बोरिंग की आपको जरूरत है क्या? नहीं। तो सर अगर अपन इसको ऐड करके देखें, शायद 4395 माइनस 3235, 3235 जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो जितना मेरे को लग रहा है आपका आंसर फिस्कल डेफिसिट के फॉर्म में आ जाएगा कितना, तो सर फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा आपके पास, शायद 1160 आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना? सर कोई आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि हमको प्राइमरी डेफिसिट निकाल के, मैं बोलूंगा देखिए प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है, जो फॉर्मूला पढ़ा अभी अपन ने वो होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस व्हाट, इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट कितना है आपके पास 1160 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 1013, तो 1160 माइनस कितना 1013, तो सर जो बच्चा है मेरे ख्याल से 47, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बच्चों प्राइमरी डेफिसिट। सर ठीक है, मतलब 147, ठीक है ना, 147 आपके पास क्या आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। सर ये भी ठीक है, मैंने बोला हाँ मतलब ये भी ठीक तो है कहीं ना कहीं। अब अगर थोड़े से और क्वेश्चंस भी देखें इसके अंदर, उसका भी अपना ही मजा है, तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, थोड़ा इसी बिसात का, इसी तरीके का, ताकि आपको समझ में आ पाए कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो गिवन है आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, देखिएगा जरा क्वेश्चन की बिसात कुछ ऐसी है कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना गिवन है आपके पास 2300, देन आपके पास जो टैक्स रेवेन्यू है वो कितना है आपके पास 1000, आपके पास रिकवरी ऑफ लोन गिवन है 145, देन आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है कितना है आपके पास 3500, देन आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपके पास 580। अगर अपन बात करें नेक्स्ट लेवल पे, डिसइन्वेस्टमेंट गिवन है आपके पास, तो सर डिस इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास 300, और इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है आपको कितने 1013। वाओ, ये थोड़ा सा पहले से नहीं, क्वेश्चन को फिर अलग है, चलो देखते हैं अपन। सर कोई मुझसे पूछेगा सर सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट निकालना चाहें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस व्हाट, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है हमको कितना 3500,
रेवेन्यू रिसिट में टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब 2300 प्लस कितना 1000, तो डेट इज कम्स आउट टू भी मेरे ख्याल से पूरा रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया आपके पास, शायद 200। रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया आपके पास 200। सर कोई मुझसे पूछेगा सर कि आप फिस्कल डेफिसिट पे अटैक करें, तो मैंने बोला ठीक है यार अपन थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट निकालने की कोशिश करते हैं। सर फिस्कल डेफिसिट कैसे निकलेगा अपने पास? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ही होता है हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर माइनस व्हाट, टोटल रिसिट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस व्हाट, टोटल रिसिट। तो सर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो गिवन ही है, रेवेन्यू, सॉरी कौन सा एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों गिवन है आपके पास, कैपिटल प्लस रेवेन्यू, तो एक है 3500 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आपके पास 580। सर टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आती है, एक आती है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कौन सी आती है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब 4080 माइनस। सर रेवेन्यू रिसिप्ट हम ऊपर निकाल चुके हैं 3300 है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है 3300। सर कैपिटल रिसिप्ट तीन प्रकार की होती है, एक होता है रिकवरी ऑफ लोन, दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट, एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट, प्लस एक होती है बोरिंग्स जो कि हमको जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आता है टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग, अदर देन व्हाट बोरिंग। सर ठीक है तो यहाँ पे आपका 3300 आ गया, प्लस कितना अगर अपन बात करें तो 3300 प्लस 445। तो सर अगर ऐसे में देखें तो हमारे पास 4080 माइनस 3745, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा आपके पास 35। ऐसा कुछ आएगा शायद कि गलत आ गया कुछ, एक बार देखे तो कैपिटल रिसिप्ट इतनी है हमारे पास, तो फिर प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव में चला जाएगा अपना। खैर इसमें प्राइमरी डेफिसिट पूछा ही नहीं आपसे, तो कोई चिंता की बात ही नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फिर तो पीडी अपने लिए क्या हो जाएगा, उल्टा नेगेटिव। सर क्या पीडी नेगेटिव भी हो सकता है? यस प्राइमरी डेफिसिट नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब उल्टा आपने इस बार उधार उतारा है, उधार लिया नहीं है, ठीक है ना। तो पीडी के नेगेटिव होने का मतलब होता है कि आपने उधार उतारा ना कि किससे उधार लिया। एक बार देख लो इन चीजों को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, यहाँ पे आपका बजट के न्यूमेरिकल्स भी हो गए और ये बहुत काम की चीज, ठीक है ना।